हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन यादव वर्किंग एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स इन सूरज स्कूल रेवाड़ी। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और इसके साथ ही बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैं इस चैप्टर में अक्सर आपको बोल रहा हूँ सभी वीडियोज में कि हर टॉपिक इस चैप्टर का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और अब आप देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा कि इंटरवल निकालिए जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। लेकिन इसने हमें क्या कहा है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। और आपको मैंने दो पार्ट लिए हैं। पहले फंक्शन में क्या कह रहा है जरा देखिए, फर्स्ट में कह रहा है एफ एक्स क्या दे रखा है 2-3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो याद करो जरा, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर x1 लेस देन x2 लू में, क्या लू में x1 अगर x2 से लेस हो और मैं ये प्रूव कर दूं कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। याद आया आपको डिक्रीजिंग में क्या होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कि अगर x1 x2 से कम हो और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से ग्रेटर प्रूव कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में क्या होता था जरा बताइए, इंक्रीजिंग का क्या था, अगर x1 x2 से लेस हो इंप्लाइज अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से भी लेस हो तब हम कहते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। याद कर लीजिए एक बार, तो ये तो डिक्रीजिंग और ये तुम्हारा क्या होता था इंक्रीजिंग। और मैंने दोनों ही क्वेश्चन लिए हैं, पहले पार्ट में कह रहा है इसको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करिए आर के लिए और दूसरे पार्ट में कह रहा है इंक्रीजिंग करिए ऑन इंटरवल 0 to infinity। चलो पहले पार्ट को करते हैं। मैं मान लेता हूं लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। अब आर तो आप समझ गए होंगे, मतलब माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, आर का दूसरा रूप, दूसरा जो आप कह सकते हैं नाम है वो माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव भी कह सकते हो। आप जरा देखो x1 x2 आपने r से बिलोंग ले लिए, ठीक है, और हमने इस तरह से लिए कि x1 इज लेस देन x2, ठीक है। अब x1 लेस देन x2 है और मुझे ये कंडीशन लानी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, मतलब f ऑफ x1 किससे ग्रेटर होना चाहिए f ऑफ x2 से। क्या करें जरा बताओ, फंक्शन तुम्हारा ये है बेटा, ये देखो ध्यान से, ये लाना है मुझे कैसे भी करके, कैसे लाऊं जरा बताओ। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम बनाऊंगा, तो देखो x तो आ गया, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताओ जरा क्या बना। 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप एक बात बताओ, क्या इन इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखो 2 3 से लेस है और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 भी तो 9 से लेस होगा। चलो 3x1 लेस देन 3x2 हो गया। आप जरा बताइए क्या ऐड करवा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई और करवा रहा है। जब माइनस से करूंगा मैं मल्टीप्लाई तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा, जो लेस था वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। आप देखो ना, जैसे 2 3 से लेस है, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा माइनस 2 तो तुम्हारा माइनस 3 से ग्रेटर होता है कि नहीं होता है बताओ। तो ये इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। चलो इसके बाद क्या कह रहा है, 2 ऐड कर रहा है, तो अगर मैं 2 ऐड कर दूं इसमें तो क्या 2 ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैसे, आप यहीं से समझ लो, देखो 2 3 से लेस होता है, अगर मैं 2 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो 4 भी तुम्हारा 5 से लेस होगा। अरे 2 इधर जोड़ दिया 2 इधर जोड़ दिया तो 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, 4 भी 5 से लेस होगा, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो ये क्या बन गया, ये तो तुम्हारा देखो 2 - 3x,
ये तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स वन बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, 2 - 3x2, तो यह x2 रख दूंगा तो यही तो आएगा, ये तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स टू बन गया। और याद करो यही तो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि अगर x1 x2 से लेस हो तो f ऑफ x1 किसके ग्रेटर प्रूव करना है, f ऑफ x2 से। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो बेटा एक बार उसको जरूर देख लें। तो ये हमारा प्रूव हो गया देखो। सो मैं कह सकता हूं, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बेटा ये है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। तो मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू 0 to ∞ ओपन। भाई कोई भी जो दो वैल्यू लोगे x1 x2 की वो उस इंटरवल के अंदर ही तो होनी चाहिए, तो मैंने 0 से इंफिनिटी के बीच में ले ली। अब हमें ये क्या कह रहे, ये जो फंक्शन है ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो याद करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती थी, यही तो होती थी कि अगर x1 x2 से कम हो तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से कम होना चाहिए, यही तो प्रूव करना है। चलो कोशिश करते हैं। देखो हमने अज्यूम कर लिया Let x1 is less than x2, ठीक है। अब x1 अगर x2 से less है तो जरा मुझे बताओ, 1 upon जब कर दूंगा तो आपको पता है बेटा inequality change हो जाएगी। अगर 1 upon x1 करूंगा तो वो अब greater हो जाएगा 1 upon x2 से। नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए, जैसे 2 तुम्हारा 3 से less था तो अब अगर मैं इसका reciprocal कर दूं तो 1/2 है ना बेटा, वो 1/3 से ग्रेटर होगा, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो गई। चलो आगे बात करते हैं। अब जब आप माइनस, ये देखो मुझे ये फंक्शन बनाना है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज आएगा, -1/(x1) - -1/(x2)। सोच लीजिए क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे देखो ना 2 3 से लेस है, तो अगर -2 कर दूं ना बेटा तो -2 - 3 से ग्रेटर होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर था तो इसको लेस कर दिया। अच्छा अब बताओ आगे क्या करना है, अब इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करूंगा -1/(x1+1), तो इधर भी ऐड करूंगा। अब मुझे बताओ 1 ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर कोई भी ऐड करोगे 2 3 से लेस है, 1 ऐड कर दिया तो 3 भी तो 4 से लेस होगा, इसका मतलब इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। और आप चेक कर लीजिए ये तुम्हारा फंक्शन बन गया सेम, तो इसको कह दूंगा f ऑफ x1 और इसको कह दूंगा f ऑफ x2। तो आपने क्या देखा कि अगर x1 x2 से लेस था तो हमने प्रूव कर दिया f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। सो Given function is strictly increasing on 0 to ∞। और यही हमें बेटा प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव किया, अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो डेरिवेटिव की मदद से करेंगे। नोट इट डाउन। यस बेटा सेकंड क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन को हम कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये कह रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब याद रखना बेटा आर भी तो क्या है, एक इंटरवल ही तो है, और आपको किसी इंटरवल में पूछेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या करेंगे एफ डैश एक्स, और आप चेक करेंगे कि उस इंटरवल में, जैसे कोई भी इंटरवल है उसके अंदर उस एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो आई एफ डैश एक्स की वैल्यू तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और अगर नेगेटिव आई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। तो आपको क्या करना है देखो जरा, कह रहा आर का मतलब तो आप समझते ही हैं, -∞ to ∞, मतलब इंटरवल तो बिल्कुल क्लियर है। आप कह रहा है इस इंटरवल में ये फंक्शन
इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे क्या प्रूव करनी है, पॉजिटिव। अगर डिक्रीजिंग कहता तो क्या करता, नेगेटिव प्रूव कर देता इस इंटरवल में। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एफ एक्स आपको गिवन है 4x³ - 6x² + 3x + 12। तो हमें बताओ एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, बोलो क्या बना, 12x² - क्या हुआ 12x, प्लस कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, अब ऐसे तो बेटा कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि इस r के अंदर तो माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। देखो इसमें दो टर्म तो पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। अब ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, जबकि मुझे क्या लाना है, मुझे तो पॉजिटिव लाना है, तभी तो इंक्रीजिंग होगी। तो ये 100% लगभग श्योर है कि ये स्क्वायर बनेगा, अगर एलजेब्रिक है तो, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो ही तो अंदर कुछ भी पुट करो तो पॉजिटिव आएगा। भाई स्क्वायर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रखोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव रखोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव। तो क्या करें, जरा कोशिश करते हैं। देखो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखो 3 कॉमन आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं, ये क्या बचा 4x² - 4x + 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 × ये तो 2x - 1 का बेटा होल स्क्वायर हो गया। जरा चेक करो, a² + b² - 2ab, तो ये तो इसका मतलब कंप्लीटली इसका होल स्क्वायर हो गया। और अब मैं कह सकता हूं इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव, आप इसको r भी कह सकते हो, इसके अंदर f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है ही। स्क्वायर के अंदर x कुछ भी रखो, माइनस रखो प्लस रखो, स्क्वायर करूंगा तो बेटा पॉजिटिव ही तो आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो मैं क्या कहूंगा, तो इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, तो क्या हुआ, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया किसके दौरान, इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, अगर ये डिक्रीजिंग प्रूव करवाता तो हम एफ डैश एक्स को क्या प्रूव कर देते, नेगेटिव प्रूव कर देते। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो बेटा सभी क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना हो, तो उसका रास्ता एक ही तरफ जाता है कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू किसी इंटरवल में पॉजिटिव आ रही है तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आ रही है तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग। चलो तो देखो जरा एफ एक्स ये दे रखा है, आप बताओ एफ डैश एक्स क्या हुआ बेटा इस क्वेश्चन में, 1 - 1/x², बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इसको थोड़ा और सोल्व करूं मैं तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू x² - 1/x². अच्छा वैल्यू क्या दे रखी है, कह रहा है एक्स की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए। तो जरा एक बात बताओ बेटा, अगर एक्स की वैल्यू एक से बड़ी है, अगर 1.1 भी लेता हूं तो 1.1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 1 से तो बड़ी ही आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी। भाई 1 से 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो आप 1.1 होता है तो 1.21 हुआ, तो 1.21 - 1/ ये तो स्क्वायर है तो ये तो नेगेटिव होने का काम ही नहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव बचेगा ऊपर, और नीचे भी पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो आप कह सकते हैं 1 से इंफिनिटी तक, 1 भी ओपन में, इंफिनिटी भी ओपन में, फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों इंक्रीजिंग कह रहा हूं बताओ, क्योंकि बेटा इस इंटरवल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। चलो एक पार्ट और करते हैं। ये कह रहा है ये फंक्शन है x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। क्यों कह रहा है माइनस टू के इक्वल नहीं है? अरे माइनस टू रखोगे तो बेटा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा और ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। चलो क्या करें, वही पूछ रहा है कि x की किन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो f डैश x निकालो, तो f डैश x क्या होगा भाई, नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस टू का, x प्लस टू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वन हो गया, ठीक है, ऊपर वाले का माइनस इसका एज इट इज x माइनस टू, नीचे वाले का डेरिवेटिव वन हो गया। अब देखो जरा क्या आया, x प्लस टू माइनस x प्लस टू अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया माइनस x से, ये तो क्या वैल्यू आई, 4 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर। 4 तो पॉजिटिव है ही, अब 2 ले नहीं सकते, माइनस 2 ले नहीं सकते क्योंकि माइनस 2 के ऊपर तो ये जीरो बन जाएगा। तो क्या होगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी बताओ जरा, क्योंकि स्क्वेयर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव है ही, तो हम क्या कहेंगे, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर माइनस टू, मतलब सारे रियल नंबर्स के ऊपर ये इंक्रीजिंग होगा सिर्फ माइनस टू को छोड़ के, टू नहीं बेटा माइनस टू। बताओ माइनस टू को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि माइनस टू पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। यस बेटा, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपसे इंटरवल पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में कि उस इंटरवल को बताइए, उन इंटरवल्स को बताइए जिसमें कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से स्टेप्स को सुनना, एक क्वेश्चन में 4 पावर का और करवाऊंगा आपको, बाकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या करो जरा बताइए, एफ डैश एक्स बताओ किसके इक्वल आया, f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, भाई इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है बेटा। f डैश x तो करते करते थे, याद करो f डैश x अगर पॉजिटिव होती थी तो हम कहते थे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और अगर नेगेटिव होता था तो कहते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम तो आ गई, क्या कि अब हमें इंटरवल नहीं दे रखा, और क्वेश्चनों में क्या था अब तक जो करे थे, इंटरवल गिवन थे, और हमारे सब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इंटरवल, मतलब इंटरवल निकालना है। कैसे निकालना है समझाता हूं। सबसे पहले एफ डैश एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 6 कॉमन आया, बताओ क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टर भी साथ के साथ बना लिया करो, तो ये बन गए बेटा 2 और 1। तो आप ये तो सब आपने सीख ही रखा है, तो एफ डैश एक्स आ गया 6 × x − 2 और x − 1। अरे x कॉमन लूंगा तो x माइनस टू, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 आ गया, x माइनस 1 आ गया। अच्छा फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आपसे इंटरवल पूछे तो आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, अरे बेटा इंटरवल भी तो निकालने हैं, और इंटरवल निकालने के लिए क्या करना है, हमें पॉइंट चाहिए, और पॉइंट कैसे निकलेगा, जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, ठीक है। तो क्या करें जरा, एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए जरा क्या होगा, 6 ×
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से आइदर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इज इक्वल टू टू और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मतलब x इज इक्वल टू वन. तो क्या x की वैल्यू दो आ गई, वन और टू. कितनी वैल्यू आई बताओ, वन एंड टू. तो क्या करना है आपको याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है. आप बताओ जब हम रियल वैल्यूज पे प्लॉट करते हैं, आप रियल वैल्यूज को नंबर लाइन पे, तो इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर इंफिनिटी होता है. तो ये जो वैल्यू आई ना बेटा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. लिख दिया हमने वन और टू, और बीच में कहीं कहीं आप इनको रख दीजिए. आपको पता है पहले वन आएगा फिर टू आएगा. इधर क्या है माइनस इंफिनिटिव, इधर क्या है प्लस इंफिनिटिव. तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितने इंटरवल बने भाई, यहां पे एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया. मुझे लगता है बेटा तीन इंटरवल बन गए. कौन कौन से, माइनस इंफिनिटिव से वन, वन से टू और टू से इंफिनिटिव. मतलब याद रखना, अगर दो वैल्यू आई तो इंटरवल तीन बनेंगे, अगर तीन वैल्यू आती x की तो चार इंटरवल बनते, अगर एक वैल्यू आती तो दो इंटरवल बनते. मतलब जितनी वैल्यू आएंगी उससे एक इंटरवल ज्यादा बनेगा. तो जरा फिर से रिपीट कर देता हूं, एफ डैश एक्स निकालिए, उसको जीरो करिए, एक्स की वैल्यू जो आएंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में प्लॉट कर दीजिए. अगर दो वैल्यू आई एक्स की तो तीन इंटरवल आएंगे. अब हमारा काम स्टार्ट होता है. जैसे पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से वन, ठीक है. अब इस इंटरवल में आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है. साइन कैसे चेक करना है बताओ, एफ डैश एक्स क्या है, ये है सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, यही तो एफ डैश एक्स है. आपको वो एफ डैश एक्स लेना है जो फैक्टर की फॉर्म में है, ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है. किसके बीच की, उस इंटरवल के बीच की. अब आप बताओ माइनस इंफिनिटी और वन के बीच में क्या वैल्यू आती है, अरे बेटा जीरो आता है, माइनस वन आती है, माइनस टू आती है. आपकी मर्जी कुछ भी ले लो. मैंने मान लिया इसके बीच की वैल्यू जीरो ले ली, मान लिया क्या ले ली मैंने, जीरो होनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में. तो आप यहां पे पुट करिए एफ डैश जीरो पुट करिए, जरा बताओ क्या आया. जब यहां जीरो रखूंगा तो ये सिक्स है, ये तो पॉजिटिव, वैल्यू नहीं निकालना सिर्फ साइन निकालना है, ये तो पॉजिटिव है. जब यहां जीरो रखोगे तो जीरो माइनस टू, अरे ये तो नेगेटिव आया, तो ये आ गया नेगेटिव तुम्हारा. और जब यहां पे जीरो रखूंगा तो जीरो माइनस वन, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आ गया. तो बताओ ओवरऑल वैल्यू क्या आई, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव आ गया. और जब पॉजिटिव वैल्यू आती थी तो क्या होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो मैं कहूंगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कौन सा, माइनस इंफिनिटिव से वन. तो माइनस इंफिनिटिव से वन के बीच में तो क्या आ गया बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया. अब दूसरा इंटरवल चेक करते हैं वन से टू, तो वन से टू के बीच में जरा एफ डैश एक्स को चेक करते हैं. अब आप बताओ क्या वैल्यू ले लें, वन से टू के बीच में बोलो 1.5 ले लें, एक्स की जगह 1.5 पुट करके देख लो. तो 1.5 जब रखूंगा यहां पे तो बताओ क्या वैल्यू आई एफ डैश एक्स की, ये तो पॉजिटिव है. जब 1.5 माइनस टू करूंगा तो क्या आया, माइनस 0.5 मतलब नेगेटिव आई. जब यहां पे 1.5 को पुट करूंगा माइनस वन तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया. तो ये बताओ ओवरऑल वैल्यू क्या आई, अरे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव ही तो आएगा, मतलब एफ डैश एक्स तुम्हारा नेगेटिव हो गया. और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो याद करो क्या सिखाया था, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, वन से टू. तो वन से टू इंटरवल पे क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया.
और माइनस इंफिनिटी से वन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं तीसरे इंटरवल की, तीसरा है टू से इंफिनिटी। तो टू से इंफिनिटी के बीच में जरा चेक कर लें, बताओ क्या वैल्यू लें, टू से और इंफिनिटी के बीच में बताओ थ्री ले लो, वैल्यू थ्री ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, थ्री ली मान लिया हमने, और एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, तो देखो सिक्स तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है, और जब यहां पे मैं थ्री पुट करूंगा थ्री माइनस टू तो ये भी पॉजिटिव आया, और जब यहां थ्री रखूंगा तो थ्री माइनस वन क्या आया बताओ, ये भी पॉजिटिव आया, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव होगा तो मैं क्या कहूंगा, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कहां से कहां तक, टू टू इंफिनिटिव, टू 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 से लेके इंफिनिटिव तक क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, जरा ध्यान से देखो। अब मैं इसको थोड़ा यहां स्पेस बना लेता हूं, तो जरा देखिए आप ये भी कह सकते हैं यहां पे, देखो फाइनल आंसर क्या होगा, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, अब इंक्रीजिंग कहां का आया है जरा देखो, एक तो आया है माइनस इंफिनिटी से वन, चलो जी ठीक है माइनस इंफिनिटी से वन हो गया, बीच में गैप आ गया क्योंकि इस पे तो डिक्रीजिंग है, और फिर दोबारा से इंक्रीजिंग है कहां पे, टू 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 इंफिनिटी, तो आप यूनियन लगा दोगे टू टू इंफिनिटी, मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में भी, दोनों के बीच में यूनियन लगा दोगे, और क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, अब तो एक इंटरवल है डिक्रीजिंग, तो ऑन इंटरवल वन से टू ओपन, तो इसका मतलब चाहे तो ऐसे लिख दो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और क्या ये लिख दो कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू वन कोमा टू टू इंफिनिटी, या फिर दोनों के बीच में यूनियन लगा दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पूरा प्रोसीजर इसका बता दिया है कि आपको एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, नोट इट डाउन, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस।